ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगरात प्रॉपर्टीच्या वादातून एका महिलेला अमानुष मारहाण झाल्याची धक्कादायक घटना फॉरवर्ड लाईन परिसरात घडली आहे। महिलेवर सध्या उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत। सुनीता मरोठिया असं जखमी झालेल्या महिलेचं नाव आहे। सुनीता या उल्हासनगरच्या फॉरवर्ड लाईन परिसरात राहतात। 24 तारखेच्या मध्यवर्ती रात्री त्यांचे 2 दीर आणि उर्वरित सदस्यांनी घरात घुसून मिरची पावडर लाकडी दांडक्याच्या साह्याने हल्ला केला। या हल्ल्यात सुनीता मरोठिया या गंभीर जखमी झाल्या असून अंगावर काळे निळे डाग पडेपर्यंत बेदम मारहाण केले। इतवरच न थांबता हातावर पायावर लाकडी दांडक्याने उपट मारून जखमी सुद्धा केले आहे। सर मेरे को बहुत मारा है। सुनीता धर्मवीर मरोठिया। सर मैं काम पे से आई हुई, मेरे को मेरे देवर ने, मेरे दोनों देवर ने रामवीर मनवीर रजिया मरोठिया हीना मरोठिया संतो मरोठिया क्या नाम है रोहित मरोठिया गन्नू मरोठिया और क्या कहते हैं हरपाल मरोठी करौतिया और क्या कहते हैं छुट्टन करौतिया और लाला करौतिया लाला के दोनों बच्चे इनको का नाम है मेरे को जल्दी से नाम करौतिया उनके दोनों बच्चे हैं। उन लोगों ने सब ने मिल के मेरे को घर के ऊपर लपड़ा हमारे ही चल रहा था झगड़ा घर के ऊपर मैटर चल रहा था तो बातचीत कर रहे थे तो बुला के हमको बोलते इधर आ इधर आ आँखों में मिर्ची डाल के तब हमको मारा है। मेरी बेटी को मेरे को मेरे बेटे को दोनों को उन लोगों ने जान से ख़त्म करने का इरादा किया। मेरी लड़की को तो फांसी लगा दिए पूरा गले में निशान आ रहा मेरी बेटी को और मेरे को तो इतना मारा है कि बेहोशी कर दिया इतना पूरा खून में। पुलिस चौकी में गई थी तो पुलिस चौकी वाले ने कुछ नहीं किया सीधा बोले जाओ सेंटर में एडमिट करो सेंटर में से दवा गोली लो। उन्होंने दवाई वो भी नहीं किया मेरा कुछ भी सुना ही नहीं मेरा कुछ भी। ओ 24 तारीख को किया रात के 12:30 से 1 बजे के बीच में हुआ लफड़ा। अभी तक मेरे को कोई पूछने नहीं आया कोई किसी ने बात भी नहीं किया क्या हुआ है क्या नहीं हो रहा मेरे घर पे। मेरे बच्चे का एक बेटा मेरा सुनता नहीं बोलता नहीं उसको छुरी चाकू दिखा रहे रास्ते में उसको भी दोपहर को आज भी झक्कड़ा किया है मारपीट करके लफड़ा करके भगाया है लड़का मेरा। कौन से छुरी चाकू से मारा कौन से हथियार से मारा मेरे को अरे साग का लकड़ी था और रॉकी होता है उससे मारा है मेरे को क्या बोलते हैं उसको तो डंडे से रॉकी और डंडे और क्या नाम है साग का लकड़ी है इतना मोटा मोटा उन लोगों से मारा है। पूरा जगह पे ही खलास करने का सोच रहे थे मैं भाग भाग के पिक के ऐसा भाग के निकल के आए हम लोग तब हम पुलिस चौकी पहुँचे ऐसा किया कुछ भी अनक्सर नहीं उठाया और अभी भी वो लेके गाड़ी पर घूम रहा है और बोलता है अभी भी बच्चे इनको धमकी दे रहा मेरे इनको आएगी साली को फिर खत्म करूंगा ऐसे बोल रहे घरवाले। आता या प्रकरणी मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून लवकरच आरोपींना अटक केली जाणार असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मधुकर कड यांनी केली। आकाश सहाने स्वानंद मीडिया उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।